अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन हुकूमत के खिलाफ कंजर्वेटिव पार्टी की तहरीक अदम एतमाद, माहिरीन के मुताबिक पार्लिमानी चाल के नाकाम होने का इम्कान है। ट्रूडो का कहना था कि ऐवान की अक्सरियत मौसमियाती तब्दीली से लड़ना चाहती है। कनाडा का इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का ऐलान। इसराइली वजीर खारजा की कनाडा को संगीन नतायज की धमकियां। कनाडा सालाना अरबों डॉलर के मालियत का असलहा इसराइल को फरोख्त करता रहा। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए मौसम सरमा की ट्रैवल एडवाइजरी ख़त्म। बर्फबारी की वजह से शहरियों को दौरान ड्राइविंग मुश्किल का सामना। सर्द मौसम की लहर जुम्मे तक जारी रहने का इम्कान। अमरीका ने गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद सलामती कौंसिल में जमा करा दी। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि रफाह में बड़े पैमाने पर इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, यरगमालियों की रिहाई से मुंसलिक फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। सदारती इंतखाबात में ट्रंप की जीत का इम्कान रोशन। इसराइल की हिमायत पर बढ़ता आवामी गुस्सा ट्रंप की जीत के इम्कानात को बढ़ा रहा है। इसराइली ऑपरेशन की गैर मशरूत हिमायत पर सदर बाइडन को शदीद तनकीद का सामना। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कनाडा की अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव के रहनुमा पेयर पॉलिवर ने एक अदम एतमाद की तहरीक पेश की जो हुकूमत को गिराने और वफाकी इंतखाबात को मुतहरिक करने के लिए डिज़ाइन की गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव के रहनुमा पेयर पॉलिवर ने एक अदम एतमाद की तहरीक पेश की जो हुकूमत को गिराने और वफाकी इंतखाबात को मुतहरिक करने के लिए डिज़ाइन की गई है। माहिरीन के मुताबिक एक पार्लिमानी चाल जिसके नाकाम होने का इम्कान है। पॉलिवर और उसकी पार्टी लिबरल हुकूमत पर विफाकी कार्बन टैक्स में इजाफे का मंसूबा तर्क करने के लिए दबाव बढ़ा रही है। 1 अप्रैल को लीवी में 23% इजाफा होगा, जिसका मतलब है कि सार्फीन 1 लीटर गैस के लिए अब के मुकाबले में तकरीबन 3 सेंट ज्यादा अदा करने की तवक्को कर सकते हैं। पियर पॉलिवर ने पार्लियामेंट हिल पर कंजर्वेटिव काकस के इजलास में कहा, अगर वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो आज खुराक, गैस और गर्मी पर अपने आइंदा टैक्स में इजाफे को ख़त्म करने का ऐलान नहीं करते हैं तो हम अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। कैनेडियन खुद खाने, हीटिंग और घर के मतहमल नहीं हो सकते। उन्होंने अराकीन पार्लियामेंट और सेनेटर्स की तरफ से खड़े होकर सलामी देते हुए कहा, मैं ऐवान को तहलील करने का मुतालबा करता हूं ताकि कैनेडियन कार्बन टैक्स के इंतखाब में वोट डाल सकें। माहिरीन के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक मुमकिन तौर पर ख़त्म हो जाएगी क्योंकि NDP ने 2025 तक हुकूमत की हिमायत करने पर इत्तेफाक किया है। चौथे फरीक के साथ हुकूमत का सप्लाई और एतमाद का मुहैदा इसे कॉमन्स में तहरीक को शिकस्त देने के लिए काफ़ी हिमायत फराहम करता है जो जुमेरात की शाम वोटिंग के लिए जाएगी। पियर पॉलिवर ने बुध के रोज़ सवालिया वक्फे में कार्बन टैक्स पर ट्रूडो को निशाना बनाया। इस प्रोग्राम पर तनकीद करने और इसे मनसूख करने का मुतालबा करने के लिए हुकूमत से तकरीबन तमाम सवालात का इस्तेमाल किया। कार्बन की कीमतों की अफादियत पर कुछ आगे पीछे होने के बाद पॉलिवर ने कहा, क्यों ना हम इस बहस को ख़त्म कर दें और कैनेडियनों को कार्बन टैक्स के इंतखाब में फैसला करने दें। ट्रूडो ने जवाबी वार करते हुए कहा, आलूदगी की कीमत पर इलेक्शन हमारे पास उनमें से 3 थे और हमने वो सब जीत लिए। ट्रूडो ने जवाबी फायरिंग की। ट्रूडो ने कहा, इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी इस मंसूबे के खिलाफ खड़ी है जो कैनेडियनों की जेबों में पैसा और मौसमियाती तब्दीली से लड़ने का एक हकीकी मंसूबा जो काम कर रहा है, जो अखराज को कम कर रहा है। खुशकिस्मती से इस ऐवान की अक्सरियत मौसमियाती तब्दीली से लड़ना चाहती है।
गजा जंग के दरमियान कनाडा की जानिब से इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा ने बड़ा फैसला करते हुए इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोक दी। गजा जंग के दरमियान कनाडा की जानिब से इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कनाडा की वजीर खारजा मेलानी जूली ने कहा है कि कनाडा कानून साजों की मंजूर करदा करारदाद पर अमल करेगा। इसराइल को हथियारों की मुंतकली रोकने का मुतालबा किया गया है, जबकि इसराइली वजीर खारजा ने कनाडा को संगीन नतायज की धमकियां दी हैं। इसराइल को सालाना अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान इसराइल भेजने वाले कनाडा ने गजा पर जारहियत के बाद से इसमें बतदरीज कमी लाते हुए अब हथियारों की तरसील मुकम्मल तौर पर रोकने का ऐलान किया है। कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली ने इसराइल को हथियारों की तरसील रोकने की तस्दीक करते हुए कहा कि गजा के जमीनी हकायक बताते हैं कि इसराइल को ऐसा कोई सामान नहीं भेज सकते जिसके फौजी इस्तेमाल का इम्कान हो। कैनेडियन वजीर खारजा ने इस हवाले से मजीद कहा कि असलहे की गैर कानूनी तजारत को रोकने की कोशिशें बढ़ाएंगे। इसराइल के वजीर खारजा ने कनाडा को संगीन नतायज की धमकियां दे दी। इसराइल ने कहा कि तारीख कनाडा की मौजूदा कार्रवाई का सख्ती से फैसला करेगी। कनाडा की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 8 जनवरी से हुकूमत ने इसराइल को हथियारों की बरामद के नए इजाजत नामों की मंजूरी नहीं दी, इसलिए इसराइल को हथियारों की तरसील बंद रहेगी। ताहम बयान में यह भी कहा गया है कि 8 जनवरी से पहले मंजूर शुदा इजाजत नामों पर अमल किया जाएगा, क्योंकि उन्हें मनसूख करने से कनाडा और उसके इत्तेहादियों अमरीका नेटो फाइव आइज इंटेलिजेंस इत्तेहाद के साथ ताल्लुकात में खराबी का खदशा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कैनेडियन पार्लियामेंट में अक्सरियत राय से मंजूर होने वाली करारदाद में कहा गया था कि कैनेडा अपने बैनुल अक्वामी शराकत दारों के साथ मिलकर फलस्तीन की रियासत के क़याम की सिमत काम करेगा। कैनेडा की पार्लियामेंट में करारदाद के हक में 207 जबकि मुखालफत में 117 वोट आए थे। इस हवाले से कैनेडियन वजीर खारजा मेलानिया जूली का कहना है कि कैनेडा इसराइल को तमाम हथियारों की तरसील रोक देगा। वाजह रहे कि कैनेडा ने इसराइल को गैर मोहलिक हथियारों की तरसील जनवरी से जुज़वी तौर पर रोकी हुई थी। इसराइल को हथियार फरोख करने वाले 10 बड़े ममालिक में कैनेडा सर फहरिस्त मुल्क रहा है। 2022 में 21 मिलियन डॉलर मालियत का फौजी सामान इसराइल को भेजा गया, जबकि 2021 में 26 मिलियन डॉलर के हथियार फरोख किए थे। इसराइली वजीर खारजा कॉटस ने कैनेडा के इस फैसले की शदीद अलवास में मजम्मत करते हुए कहा कि यह हथियारों की तरसील की बंदिश का अमल हमास के दहशतगर्दों के खिलाफ इसराइल के अपने दिफा के हक को मजरूह करता है। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए मौसम सरमा की ट्रैवल एडवाइजरी ख़त्म हो गई है, जबकि शहर में हलचल की वजह से कुछ वक्त के लिए ख़राब हद निगाह का सामना करना पड़ा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए मौसम सरमा की ट्रैवल एडवाइजरी ख़त्म हो गई है, जब शहर में हलचल की वजह से कुछ अरसे के लिए ख़राब हद निगाह का सामना करना पड़ा। टोरंटो समेत GTA के लिए बुध के रोज़ मौसम सरमा की सफरी एडवाइजरी नाफिज थी, जिसमें दोपहर के वक्त मुख्तसर भारी बर्फबारी के लिए कहा गया था, क्योंकि एक तेज़ सर्दी का महाज इलाके से गुजर रहा था। कौमी मौसमी एजेंसी ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि सामने से मुंसलिक तेज़ शुमाल मगरबी हवाओं के साथ मिलकर भारी लहरों का एक तंग बैंड निस्बतन मुख्तसर लेकिन अचानक मुरियत में कमी का बाइस बनेगा। एनवायरनमेंट कनाडा ने खबरदार किया कि ड्राइवरों को दोपहर के सफर के दौरान अहम असरात का सामना करना पड़ सकता है। वफाकी एजेंसी ने कहा कि मुख्तसर बर्फबारी एक शदीद सर्द महाज का हिस्सा थी, जो खित्ते में जनूब की तरफ बढ़ रही है। माहरीन मौसमियात का कहना है कि जुमेरात को हवा की सर्दी बरकरार रहेगी और फिर जुमे को मुमकिन तौर पर मजीद बर्फबारी का इम्कान है, जो GTA में तकरीबन 5 से 10 सेंटीमीटर तक पहुँच सकती है। बर्फबारी दोपहर के करीब शुरू होगी। सर्दियों का ताज़ा तरीन मौसम उस वक्त आता है जब जनूबी ऑन्टेरियो का ज्यादातर हिस्सा मामूल से ज्यादा गर्म दर्जा हरारत और यहाँ तक के आंगन के मौसम में गुज़िश्ता हफ्ते पेश आया। टोरंटो में दिन के वक्त की ऊंचाई 20 सेंटीग्रेड से तजावुज कर गई। अमरीका ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में करारदाद जमा कराई है, जिसमें गजा की पट्टी में यरगमालियों की रिहाई से मुंसलिक फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में करारदाद जमा कराई है, जिसमें गजा की पट्टी में यरगमालियों की रिहाई से मुंसलिक फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में करारदाद का मुसविदा जमा कराया है, जिसमें गजा की पट्टी में यरगमालियों की रिहाई से मुंसलिक फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया है। एंटोनी ब्लिंकन ने बुध की शाम सऊदी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने दर हकीकत एक करारदाद पेश की है जो अब सलामती कौंसल के सामने है, जिसमें यरगमालियों की रिहाई से मुंसलिक फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि ममालिक इसकी हिमायत करेंगे। अरब मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गजा में जंगबंदी के माहदे तक पहुंचने के करीब हैं।
रफा में बड़े पैमाने पर इजरायली ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। वाज़े रहे कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ऐसे वक्त पर मशरिक़ वस्ती का दौरा कर रहे हैं जब दूसरी तरफ कतर में सालिसों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मशरिक़ वस्ती के दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन गज़ा जंगबंदी के मामले पर इलाकाई वज़राए ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन गज़ा में जंगबंदी के माहदे से मुतालिक पुरउम्मीद हैं। वाज़े रहे कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग पर बातचीत के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब का दौरा किया है। वाज़े रहे कि अमरीका हमास और इसराइल तनाज़े पर अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की गुज़िश्ता क़रारदादों को वीटो कर चुका है। ताहम हालिया हफ्तों में वाशिंगटन ने अपने इत्तेहादी पर दबाव बढ़ाते हुए इस बात पर इसरार किया है कि हमास को 7 अक्टूबर को इसराइल पर अपने हमलों के दौरान पकड़े गए यरगमालियों को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। इसराइल की गैर मशरूत हिमायत पर अमरीकी सदर जो बाइडन की सदारती इंतखाबात में जीत खतरे में पड़ गई। ट्रंप की जीत के इम्कानात बढ़ गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इसराइल की गैर मशरूत हिमायत पर अमरीकी सदर जो बाइडन की सदारती इंतखाबात में जीत खतरे में पड़ गई। ट्रंप की जीत के इम्कानात बढ़ गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज़ायद डेमोक्रेटिक अतिया दहंदगान और कारकुनों ने जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम की इंतजामिया को खत लिखकर इजरायली ऑपरेशन की गैर मशरूत हिमायत पर सदर बाइडन पर तनकीद की है। उन्होंने इंतबाह किया है कि बाइडन की इसराइल की हिमायत पर बढ़ता अवामी गुस्सा ट्रंप की जीत के इम्कान को बढ़ा रहा है। गैर मुल्की ज़राए ब्लॉग के मुताबिक 100 से ज़ायद डेमोक्रेटिक अतिया दहंदगान और कारकुनों ने अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम की इंतजामिया को खत लिख दिया जिसमें इसराइली ऑपरेशन की गैर मशरूत हिमायत पर सदर बाइडन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इंतबाह किया है कि मौजूदा अमरीकी सदर बाइडन की इसराइल की हिमायत पर बढ़ता अवामी गुस्सा साबिक सदर ट्रंप की जीत के इम्कान को बढ़ा रहा है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।